अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोप माइक्रोमीटर या माइक्रोस्कोपिक माइक्रोमीट्री। व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपिक माइक्रोमीट्री? इट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड टू ऑब्जर्व एंड टू स्टडी द माइक्रोस्कोपिक स्पेसिमेंस, बट इफ़ यू वॉन्ट टू नो द एग्जैक्ट साइज ऑफ द स्पेसिमेंट अंडर ऑब्जर्वेशन, फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी द साइज ऑफ अ सेल और इट कैन बी अ साइज ऑफ द ऑर्गेनेल और अ टिश्यू और वट एवर इट इज़, वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर इट। फॉर एग्जाम्पल फॉर लेंथ we use a standard unit, that is meter. For mass we use a standard unit and that is kg. And likewise same is it the size of the microscopic specimens, it is measured through micrometry or micrometer. So we can say that it is a basic technique that we use to measure the length or the diameter or the thickness of any specimen. जो माइक्रोस्कोपिक स्पेसिमेंस हैं, क्योंकि वो हम नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, तो हम जो हमारे रेगुलर रूलर्स होते हैं उनको यूज़ भी नहीं कर सकते उनके साइज़ को मेजर करने के लिए। तो हम स्पेसिफिक रूलर्स यूज़ करते हैं, ये स्पेसिफिक स्केल्स को हम यूज़ किए करते हैं, उन स्केल्स को कहा जाता है ग्रैटिक्यूल्स, कहा जाता है रेटिक्यूल्स, रेटिक्यूल्स भी पढ़ते हैं और रेटिकल्स भी कहा जाता है, RETICLES। और हर माइक्रोस्कोप को हम इंडिविजुअली कैलिब्रेट करते हैं, माइक्रोस्कोपी कि कितने टाइप, माइक्रोमीट्री की कितने टाइप्स हैं और ये किस का, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। इसके दो बेसिक टाइप्स हैं, ओकुलर माइक्रोमीटर है एंड स्टेज माइक्रोमीटर है। ओकुलर माइक्रोमीटर और स्टेज माइक्रोमीटर को हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में, और इसके प्रिंसिपल को भी हम देखेंगे कि ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और कैसे काम करता है ये। इसमें हम स्टेज माइक्रोमीटर, क्योंकि हमारे पास दो ही टाइप्स हैं, एक ओकुलर माइक्रोमीटर है और स्टेज माइक्रोमीटर है, तो इसके प्रिंसिपल में भी सिर्फ यही दो टाइप्स आती हैं कि हम स्टेज माइक्रोमीटर को यूज़ करते हुए ओकुलर माइक्रोमीटर की कैलिब्रेशन करते हैं। कैसे कैलिब्रेशन करते हैं वो फिर हम जैसे जैसे आगे जाएंगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ओकुलर माइक्रोमीटर को पढ़ेंगे कि यह क्या होता है। ओकुलर माइक्रोमीटर जैसे है ओकुलर लेंस है, या हम आईपीस लेंस हम कहते हैं, तो ये उसी से रिलेटेड है, उसी से लिंक्ड है ओकुलर माइक्रोमीटर। इसको हम आईपीस रेटिक्यूल भी कहते हैं या आईपीस रेटिक्यूल भी कहते हैं। ये एक डिस्क सी होती है, जैसे हमारे पास होता है ना आईपीस लेंस होता है, सेम वैसे ही ये ओकुलर माइक्रोमीटर होता है। अगर हम जो हम आईपीस यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर हम स्केल इनग्रेव्ड कर दें, या जो हमारा जो एक स्पेसिफिक स्केल है वो उसके ऊपर हम एम्बेडेड फॉर्म में कर दें, तो उसी हम आईपीस लेंस को ओकुलर माइक्रोमीटर कहेंगे। ये ग्लास डिस्क होती है जिसके ऊपर 100 इक्वल डिविजन्स होती हैं, ये 100 इक्वल लाइंस होती हैं, और इसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, क्योंकि दो लेंस होते हैं बायनोकुलर लेंस, उसमें हम यूज़ करते हैं। दो आईपीस होते हैं हमारे पास, लेकिन हम दोनों आईपीस में ये नहीं डालते, बल्कि एक ही आईपीस में हम ये प्लेस करते हैं। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हम आईपीस लेंस यूज़ कर रहे हैं उसी के ऊपर ही स्केल हमारा इंग्रेव्ड हो, अगर ऐसा नहीं है तो हम सेपरेटली भी ये परचेज़ कर सकते हैं और जो हमारा आईपीस है उसके ऊपर रख सकते हैं, ताकि हम अपनी जो मेजरमेंट है वो कर सकें। और क्योंकि हम आईपीस को रोटेट कर सकते हैं, तो इसी तरह हम ओकुलर माइक्रोमीटर को भी रोटेट कर सकते हैं। ये हमारे पास है, जैसे सेम जो डिस्क होती है ना, ये आईपीस की ग्लास डिस्क है, और ये जो हमारे ऊपर स्केल है एम्बेडेड हुआ हुआ है, इसके इनग्रेव्ड हुआ हुआ है। और अगर हमारे पास, हमने इसको प्लेस करना है, तो ये हमारे पास है माइक्रोमीटर होल्डर, ओकुलर माइक्रोमीटर होल्डर है। इसको सबसे पहले हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे ताकि हम इसको निकाल सकें, पर जब हमने इसको निकाल लिया है तो हम अपना ये रख रहा है, ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। इसके ऊपर हम प्लेस करेंगे और फिर दोबारा हम इसको फिक्स कर देंगे, और इस तरह हम ओकुलर माइक्रोमीटर को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेज माइक्रोमीटर। स्टेज माइक्रोमीटर नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसे कहाँ पे रखेंगे, जो हमारी माइक्रोस्कोप की स्टेज होती है वहाँ पे हम रखेंगे। जैसे हम नॉर्मल स्लाइड्स हम यूज़ करते हैं ना, तो अगर हम उसी स्लाइड के ऊपर अपना स्केल इनग्रेव्ड कर दें, तो उस स्लाइड को हम स्टेज माइक्रोमीटर कहेंगे।
इसके ऊपर भी, इसके ऊपर जो मार्किंग, जो लाइंस होती है उनकी हमें जो डायमेंशन है वो पता होती है। डायमेंशन का मतलब क्या है कि ये कितनी इसका, कितनी इसकी लेंथ है, और जो हमने डिविजन्स की हुई हैं 100 जो इक्वल डिविजन्स हैं उनमें कितना कितना डिस्टेंस है। स्लाइड होती है उसके बिल्कुल दरमियान में, बिल्कुल सेंटर पे 1 मिलीमीटर में ये स्केल इंग्रेव्ड होता है। 1 मिलीमीटर का होता है, 2 मिलीमीटर का भी हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो 1 मिलीमीटर एंड 2 मिलीमीटर हैं। और उसके अकॉर्डिंग ही फिर 100 इक्वल डिविजन्स होते हैं। मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो 1 मिलीमीटर होता है। और अगर हम इसको 100 इक्वली स्पेस मिनी डिविजन्स में डिवाइड करें तो हर मिनी डिविजन का जो डिस्टेंस होता है ना वो 0.01 मिलीमीटर होता है। और हम स्टेज, क्योंकि हम, जैसे मैं प्रिंसिपल ने बता चुकी हूँ कि हम स्टेज माइक्रोमीटर को हम यूज़ करते हैं ऑक्यूलर माइक्रोमीटर को कैलिब्रेट करने के लिए। कैसे करेंगे ये हम आगे देखेंगे। और इसको भी जैसे हम, हमारा ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है उसको हम रोटेट कर सकते हैं विद द लेंस, विद द हेल्प ऑफ द आईपीस होल्डर। तो इसी तरह हम इसको भी मूव कर सकते हैं लेफ़्ट और राइट, या अप एंड डाउन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टेज नोब्स। इन दोनों की मूवमेंट से ही हम इन दोनों को अलाइन करना होता है कैलिब्रेशन के लिए। ये हमारे पास एक स्लाइड है, ठीक है। और स्लाइड के बिल्कुल दरमियान में, स्लाइड के बिल्कुल दरमियान में इधर 1 मिलीमीटर में ये स्केल एम्बेडेड होता है। ये इस तरह का स्केल है। बस इन दोनों माइक्रोमीटर की जो शेप है ना वो चेंज है, लेकिन जो ऊपर स्केल होता है उसकी सेम शेप होती है। आईपीस के ऊपर भी ऐसा ही होता है, और जो ऑकुलर माइक्रोमीटर होता है उसके ऊपर भी ऐसा ही होता है, और जो हम ये स्टेज माइक्रोमीटर पढ़ रहे हैं उसके ऊपर भी ऐसा ही है। इसमें क्या है कि ये 1 मिलीमीटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये हमारे पास 1 मिलीमीटर का है टोटल, 1 मिलीमीटर का है और 100 इक्वल डिविजन्स हैं, लेकिन 100 मिनी डिविजन्स हैं एंड 10 मेजर डिविजन्स हैं। मेजर डिविजन्स कौन सी हैं? ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड 10। 10 मेजर डिविजन्स हैं। इसी तरह ऑकुलर में भी 10 मेजर डिविजन्स होती हैं। और ये 100 जो आपको स्मॉल स्मॉल नज़र आ रही हैं वो हमारे पास क्या हैं? 100 मिनी डिविजन्स हैं। 10 मेजर डिविजन्स एंड 100 मिनी डिविजन्स। जो मेजर डिविजन्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है ना, इसको हम कहते हैं स्टेज यूनिट। वन स्टेज यूनिट है ये सेकंड स्टेज यूनिट, थर्ड स्टेज यूनिट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन एंड 10। 10 स्टेज यूनिट। टोटल स्केल 1 मिलीमीटर। टोटल मेजर डिविजन्स या मेजर स्टेज यूनिट्स 10। अगर टोटल स्केल 1 मिलीमीटर का है तो एक स्टेज यूनिट कितने का होगा? 0.1 मिलीमीटर डिस्टेंस होगा उसका। टोटल डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है तो एक स्टेज यूनिट का कितना डिस्टेंस होगा? 0.1 मिलीमीटर। और अगर हम एक मिनी डिवीज़न की बात करें, मिनी डिवीज़न उन दोनों के दरमियान के डिस्टेंस की बात करें तो दैट इज़ 0.01 मिलीमीटर। और इसी तरह जो ऑकुलर ऑकुलर माइक्रोमीटर होता है उसके भी इसी तरह 10 मेजर ऑकुलर डिवीज़न होती हैं, और एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू मेजर डिवीज़न्स इज कॉल्ड द ऑकुलर ऑकुलर यूनिट। यहाँ पे स्टेज यूनिट अभी बताया है कि सेपरेशन बिटवीन द टू मेजर लाइंस ऑफ द स्टेज ग्रैटिक्यूल, एंड द ऑकुलर यूनिट इज सेपरेशन बिटवीन द टू मेजर लाइंस ऑफ द ऑकुलर ग्रैटिक्यूल। स्टेज माइक्रोमीटर एंड जो हमारे पास है ऑकुलर माइक्रोमीटर, उसमें से जो स्टैंडर्ड होता है वो हमारे पास होता है स्टेज माइक्रोमीटर। स्टेज माइक्रोमीटर को एज हम स्टैंडर्ड लेते हैं। क्यों स्टैंडर्ड लेते हैं? क्योंकि ये वेरी नहीं करता, इसकी जो लेंथ होती है वो सेम रहती है। और जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको हम स्टैंडर्ड नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उसकी जो लेंथ होती है वो वेरी करती रहती है, और उसको हम इसीलिए
क्योंकि वो लेंथ उसकी वेरी करती रहती है, तो उसका जो डिस्टेंस है दो ऑकुलर यूनिट्स का या एक ऑकुलर यूनिट का जो डिस्टेंस है वो भी चेंज होता रहता है, इसलिए हम उसको स्टैंडर्ड नहीं लेते हैं। तो हम स्टेज को ही एज अ स्टैंडर्ड लेते हुए यूज़ करते हैं ताकि हम कैलिब्रेट कर सकें ऑकुलर को। कैलिब्रेशन के लिए अभी मैंने बताया है कि हर माइक्रोस्कोप के जो दो, सबसे पहले जब हम कैलिब्रेशन की बात करते हैं तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक है कि हम कैलिब्रेशन कर क्यों रहे हैं, मीन्स किसकी ज़रूरत क्या है, और दूसरी बात क्या है कि हम कैलिब्रेशन करते क्यों हैं, या हम किसी भी जो माइक्रोस्कोप की जो कैलिब्रेशन है वो हम कैसे करेंगे। पहले की बात करेंगे कि हमें कैलिब्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो उसमें मैंने बताया सबसे पहले जो लाइन लिखी हुई है कि कैलिब्रेशन रिजल्ट्स आर स्पेसिफिक टू ईच माइक्रोस्कोप। क्यों? बिकॉज ईच माइक्रोस्कोप हैज़ इट्स ओन ऑब्जेक्टिव लेंसेज ऑफ स्पेसिफिक मैग्नीफिकेशंस एंड द कैलिब्रेशन ऑफ द ऑक्युलर माइक्रोस्कोप इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू द स्पेसिफिक मैग्नीफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। हर माइक्रोस्कोप में हम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स यूज़ करते हैं और हर ऑब्जेक्टिव की जो मैग्नीफिकेशन होती है वो चेंज होती है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन चेंज होगी वैसे वैसे जो ऑक्युलर माइक्रोमीटर की जो लेंथ है वो भी चेंज होगी। अगर ऑक्युलर की लेंथ चेंज होगी तो उसकी कैलिब्रेशन भी चेंज होगी। अब मैंने कहा है कि हर माइक्रोस्कोप की क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट कैलिब्रेशन होगी। लेकिन जब हम एक माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो उसमें भी हम दो तीन तरह की लेंस यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, जिनके क्या होती है मैग्नीफिकेशन डिफरेंट होती है। तो हर माइक्रोस्कोप में भी अकॉर्डिंग टू ईच मैग्नीफिकेशन हम आईपीस रेटिकल को उसके अकॉर्डिंग, हर मैग्नीफिकेशन के अकॉर्डिंग कैलिब्रेट करेंगे, ताकि जो भी हम स्पेसिमन स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 10x पे कर रहे हैं, 10x पे अगर हम किसी भी स्पेसिमन का साइज चेक कर रहे हैं तो उसकी कैलिब्रेशन, तो उसका कैलिब्रेटिंग फैक्टर डिफरेंट होगा, कैलिब्रेशन फैक्टर डिफरेंट होगा। अगर हम 60x पे स्पेसिमन कर रहे हैं तो उसका कैलिब्रेशन फैक्टर डिफरेंट होगा। अगर हम 100x पे कर रहे हैं तो उसका भी कैलिब्रेशन फैक्टर जो ऑक्युलर का है वो डिफरेंट होगा। तो हर मैग्नीफिकेशन पे क्या होगी, जो ऑक्युलर के जो कैलिब्रेशन फैक्टर है वो डिफरेंट होगा। आप क्योंकि ऑब्जेक्टिव की वजह से, ऑब्जेक्टिव मैग्नीफिकेशन की वजह से ऑक्युलर की कैलिब्रेशन फैक्टर भी डिफर कर रहा है, तो इसको हम एज अ स्टैंडर्ड नहीं लेंगे। तो इसीलिए हम स्टैंडर्ड स्टेज यूनिट को लेंगे, क्योंकि इसका साइज़ चेंज नहीं होता, इसका लेंथ चेंज नहीं होती विद द चेंज ऑफ द मैग्नीफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। सो इन अकॉर्डिंग्स एंड इन कंपेरिजन विद द लेंथ एंड द स्टेज यूनिट ऑफ द स्टेज रेटिकल वी मेजर द डिस्टेंस ऑफ द ऑक्युलर यूनिट एट ईच मैग्नीफिकेशन। दैट स्पेसिफिक डिस्टेंस ऑफ वन ऑक्युलर यूनिट एट डिफरेंट मैग्नीफिकेशन इज कॉल्ड द कैलिब्रेशन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपको मैं बताऊँगी कि ये हमारे पास है लो मैग्नीफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल 10x पे हम कर रहे हैं, ठीक है, और ये हमारे पास है हाई मैग्नीफिकेशन है। हमारे पास मैग्नीफिकेशन के चेंज होने से स्टेज माइक्रोमीटर की लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, लेकिन मैग्नीफिकेशन चेंज होने के साथ साथ जो हमारे पास आईपीस रेटिकल है उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास चेंज हो रही है, उसकी लेंथ चेंज हो रही है, मींस के उसका जो डिस्टेंस है ना, जो ऑक्युलर यूनिट का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक 1 मिलीमीटर इसका है आईपीस का स्टेज यूनिट का, लेकिन हमारे पास उसका जो हमारे पास ऑक्युलर माइक्रोमीटर है उसका फोर्थ पार्ट आ रहा है, लेकिन हाई मैग्नीफिकेशन पे क्या आ रहा है, ये उसके बराबर आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए उसके बराबर किया हुआ है या उसके इक्वल किया हुआ है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम कौन सी 10x 20x 30x इस पे जो लेंथ होगी वो इसकी वेरी करेगी। ये स्टैंडर्ड लेंथ नहीं है, ये बस डायग्राम है, दिखाने का मकसद बस ये है कि मैग्नीफिकेशन जैसे जैसे चेंज हो रही है वैसे वैसे इसकी जो लेंथ है वो डिफ़र कर रही है, और ऑक्युलर यूनिट भी उसका क्या हो रहा है डिफर। ऑक्युलर यूनिट क्या है,
द सेपरेशन बिटवीन टू मेजर लाइन्स ऑफ द ऑकुलर रेटिकल. तो जो दो ऑकुलर रेटिकल्स के दरमियान डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. ये हमारे पास आईपीस है. जब हम कैलिब्रेशन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि आईपीस रेटिकल को और जो स्टेज रेटिकल है उसको हम अलाइन करें. कैसे अलाइन करेंगे, आईपीस को हम रोटेट करेंगे और स्टेज माइक्रोमीटर को विद हेल्प ऑफ द स्टेज नोब्स को हम उसको अप एंड डाउन मूव करेंगे ताकि ये दोनों जो स्केल्स हैं वो अलाइन हो जाएँ. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अलाइनमेंट में इनकी चीज़ है, इनका जो ज़ीरो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो मिलना चाहिए. और बाद में ये और फिर जो एंडिंग वाली लाइन्स होंगी वो हम देखेंगे कि ये एंड कहाँ पे, कौन सी ऐसी लाइन्स हैं जो एंडिंग लाइन्स हैं जो ओवरलैप कर रही हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने बताया कि जो हमारा स्टेज माइक्रोमीटर होता है उसकी जो लेंथ होती है 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर को हम 100 या 1000 माइक्रोमीटर भी लिख सकते हैं. और 1 मिलीमीटर में कितने टोटल एस यूनिट्स हैं, स्टेज यूनिट्स कितने हैं, टोटल 10 हैं. तो हम ये भी कह सकते हैं कि 10 स्टेज यूनिट्स में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं. तो एक स्टेज यूनिट में कितने माइक्रोमीटर होंगे, 100 होंगे. अब हमने एक स्टेज यूनिट का जो डिस्टेंस है ना उसको हम एज अ स्टैंडर्ड लेना है और मेजर करना है कि जो हमारे पास ऑक्युलर यूनिट्स का जो डिस्टेंस होगा वो हम कितना लेंगे. वन स्टेज यूनिट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 माइक्रोमीटर. एक स्टेज यूनिट ऐसे स्टेज माइक्रोमीटर का जिसकी लेंथ 1 मिलीमीटर है. स्टेज माइक्रोमीटर जिसकी लेंथ 1 मिलीमीटर है उसमें वन स्टेज जो यूनिट होगा उसकी उसका डिस्टेंस 100 माइक्रोमीटर होगा. अगर हम 10x पे कर रहे हैं तो 10x पे क्या होगा, रुकें 2 मिनट. हम 10x मैग्नीफिकेशन, हमने जो ऑब्जेक्टिव लिया उसकी 10x मैग्नीफिकेशन है. तो ये हमारे पास क्या है, स्टेज माइक्रोमीटर. ये इसकी मेजर डिवीजन हैं, ठीक है. आगे नज़र नहीं आ रहा, 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है. आगे 9 11 10 तक हैं आगे. और 10x पे जो हमारे पास आ रहा है, जो हमारे पास 10x पे ऑब्जेक्टिव ऑक्युलर को जब हम करते हैं, सॉरी, लेकिन जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव आ रहा है वो हमारे पास 3 तक ही ख़त्म हो रहा है, यहाँ तक. ये अलाइनमेंट पहली होनी है, सॉरी ये बहुत ऊपर चला गया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 है, ठीक है ना, कि ये स्टेज यूनिट के 3.3 पे ही, स्टेज यूनिट के 3.3 पे ही हमारे 10 ऑक्युलर यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं. तो 10 ऑक्युलर यूनिट्स की जो लेंथ है वो जो हमारा स्टैंडर्ड स्टेज यूनिट है उसकी 3.3 पे ही ख़त्म हो रही है एट 10x. 10x पे याद रखना है कि मैग्नीफिकेशन इस टाइम कितनी है, 10x है. 10x पे 3.3 स्टेज यूनिट पे ही हमारे पास 10 ऑक्युलर यूनिट्स आ रहे हैं. अभी हमने कहा है कि स्टेज यूनिट जो है, एक स्टेज यूनिट की जो डिस्टेंस है वो 100 माइक्रोमीटर है. तो इस स्टैंडर्ड को यूज़ करते हुए हम अभी फाइंड आउट करेंगे कि एक ऑक्युलर यूनिट का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है. स्टेज यूनिट कितना है, 100 माइक्रोमीटर है. तो ये मल्टीप्लाई करने से 330 माइक्रोमीटर आ गया. तो एक ऑक्युलर यूनिट है उसका जो डिस्टेंस क्या होगा, 33 होगा, ठीक है. 10x पे एक ऑक्युलर यूनिट का जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, 33 माइक्रोमीटर.
लेकिन अगर हम मैग्निफिकेशन चेंज कर देते हैं 60x पे, हमें किसी भी स्पेसिमन को देख रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे आईपीस रेटिकल का जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगी। हम आईपीस रेटिकल की ही लेंथ को डिटरमिन करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम आईपीस को यूज़ करते हैं किसी भी स्पेसिमन को, किसी भी स्पेसिमन का अगर हमें साइज़ चेक करना है तो हम सिर्फ उसको यूज़ करेंगे, हम स्टेज को यूज़ नहीं करते। स्टेज को हम यूज़ करते हैं आईपीस रेटिकल को कैलिब्रेट कर सकें, और आईपीस को हम यूज़ करते हैं स्पेसिमन के साइज़ को चेक करने के लिए। लेकिन अगर हमारे पास जो हम ओकुलर यूज़ कर रहे हैं, ओकुलर रेटिकल यूज़ कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड ही नहीं है, उसकी मैग्निफिकेशन चेंज हो रही है, उसकी जो लेंथ है वो मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो इसीलिए हम उसको उसका हम हर मैग्निफिकेशन पे उसका कैलिब्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं कि अगर 10x पे के 10x पे उसका साइज़ क्या होगा, कम होता है, लेंथ कम होती है, तो जो एक ओकुलर यूनिट का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। अगर हम 10x पे देख रहे हैं तो एक ओकुलर यूनिट का डिस्टेंस कितना होगा। अगर 100x पे देख रहे हैं तो एक ओकुलर यूनिट का डिस्टेंस चेंज होगा, तो उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही हम स्पेसिमन के साइज़ भी पे डिटरमिन करेंगे। 10x पे हम कहते हैं कि जो हमारे पास है ना 60x लिया हुआ है, हमारे पास है स्टेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और जो हमारे पास अगर हमने जब हमने अलाइन किया है 60x पे, इनको अलाइन किया दोनों स्केल्स को इस तरह करके, तो ये 99 तक कंप्लीट हो रही है। आगे आप इस तरह ये कर लें, ये अलाइन होनी चाहिए, यहाँ पे सही अलाइनमेंट नहीं हुई है, लेकिन आपने इन दोनों को सही अलाइन करना है। लेकिन ये जो हमारे पास ओकुलर माइक्रोमीटर है वो स्टेज माइक्रोमीटर के 9.9 पे ही ख़त्म हो रहा है, तो 10 ओकुलर यूनिट्स कितने हुए, 9.9 पे हुए। एक स्टेज यूनिट 100 माइक्रोमीटर का है, तो 1 ओकुलर यूनिट कितना होगा, 99 माइक्रोमीटर का होगा। अब 60x पे जो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो हम 99 ले रहे हैं, लेकिन 10x पे हमने कितना लिया है, 33। सेम आईपीस माइक्रोमीटर है, एक ही माइक्रोस्कोप है, एक ही हमारे पास आईपीस माइक्रोमीटर है, लेकिन जैसे जैसे मैग्नीफिकेशन डिफरेंट हो रही है वैसे वैसे उसका क्या हो रहा है, ओकुलर यूनिट भी जैसे जैसे मैग्नीफिकेशन चेंज हो रही है वैसे वैसे हम ओकुलर जो डिस्टेंस है वो जो ओकुलर यूनिट है उसका भी उसकी भी जो मेजरमेंट है वो चेंज हो रही है, और वही हमारे पास क्या है, कैलिब्रेशन फैक्टर है। अब यहाँ पे जो हम मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट है हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है, स्टेज, ये हमारे पास है ओक्यूलर माइक्रोपीस, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, स्पेसिमन है। तो स्पेसिमन का साइज़ क्या है, 2 ओकुलर यूनिट इसमें आ रहे हैं, 2 ओकुलर यूनिट्स हैं, तो 2 × 33 = 66 माइक्रोमीटर। इस स्पेसिमन का साइज़ क्या होगा, 2 ओकुलर यूनिट्स हैं हमारे पास, 2 ओकुलर यूनिट्स कवर कर रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि 2.5 कर रहे हैं ना। लेट सपोज़ कि इसमें ये स्पेसिमन 2 ओकुलर यूनिट्स के इक्वल है, एक ओकुलर यूनिट 33 का है, तो इस स्पेसिमन का साइज़ क्या होगा, 2 × 33 = 66 माइक्रोमीटर। लेकिन अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे 60 पे, तो वहाँ पे हमारे पास चेंज हो रहा है ओकुलर यूनिट, तो यहाँ पे हमने कोई स्पेसिमन चेक कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई भी स्पेसिमन है, तो यहाँ पे जो एक ओकुलर यूनिट होगा, एक ओकुलर यूनिट 99 का है, तो 2 ओकुलर यूनिट कितने होंगे, 2 × 99 = 180 198। तो इस तरह क्या हो रहा है, कैलिब्रेशन फैक्टर डिफर कर रहा है, जैसे जैसे मैग्नीफिकेशन चेंज हो रही है वैसे वैसे हर मैग्नीफिकेशन पे ओकुलर स्टेज
ऑक्यूलर माइक्रोमीटर का जो कैलिब्रेशन फैक्टर होता है वो डिफरेंट होता है और उसी को हम देखेंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी चीज़ के बारे में तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।